हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हम लोगों का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन चल रहा था, ठीक है। इसका एक लेक्चर मैंने मॉर्निंग में आज दिया हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा वो लेक्चर नंबर आपका 6 था, और ये दोस्तों आपका 7th लेक्चर है, ठीक है, आपके इंटीग्रेशन का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप वो लेक्चर आप सभी लोगों ने देखा होगा, और आपकी कमेंट्स भी मैंने पढ़े हुए थे, काफ़ी बढ़िया कमेंट्स आए हुए थे, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू हम रखेंगे, और वैसे भी कंटिन्यू ही रखनी थी, बट रीज़न ये था कि आप लोग जो है एक्टिव नहीं रहते थे, ठीक है ना। तो मैं भी डीमोटिवेट हो जाता था और बीच में गैपिंग हो जाती थी, जैसा कि आपने देखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेडी हैं पढ़ने के लिए तो मुझे वीडियो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम लोगों ने जो मॉर्निंग में 6वां लेक्चर देखा था, यानी कि जो 6 नंबर का लेक्चर था, उसमें हमने दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले, ठीक है, यानी कि जो भी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले इंटीग्रेशन थे वो हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। और दोस्तों अब आपके कुछ डिफरेंट टाइप के जो हैं इंटीग्रेशन यहाँ बचे हुए थे इस एक्सरसाइज में, ठीक है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के लास्ट में कुछ आपके डिफरेंट टाइप के जो है इंटीग्रेशन दिए गए हैं, हालांकि इनका कोई रूल नहीं है, बस आप मेथड सीख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख ही रहा होगा स्क्रीन पे, ये देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि एफ डैश एक्स जो है वो आपका है एक्स माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर तथा एफ ऑफ वन, ठीक है, ये आपका 1/2 है, तो आपको एफ एक्स का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों ईजिली समझ में नहीं आने वाले जब तक आपका बेसिक जो है यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बेसिक इन द सेंस क्या है, पहले आप ये समझिएगा कि एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, ये चीज़ जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की ओर, जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था डिफ्रेंसिएशन। क्या पढ़ाया था? डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो दोस्तों डिफ्रेंसिएशन में हमने क्या देखा था कि हमें कोई फंक्शन दे देता था, जैसे कि एफ एक्स, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती थी हमारे पास, या हमें दे देता था वाई, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती थी, ठीक है, और बोलता था कि इसका आप लोग अवकलन कीजिए, क्या करिए आप इसका अवकलन कीजिए, ऐसा हमको बोला जाता था, ठीक है, आपकी फर्स्ट जो मैथमेटिक्स थी उसमें, ठीक है। आपको कोई फलन दे दिया एफ एक्स, सपोज मैं मान लेता हूँ आपका दिया है 3x³ माइनस का 2x+6, ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स और बोला है इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करिए। तो आप जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे कि एफ एक्स को लिख देते थे एफ डैश एक्स, ठीक है, क्या लिख देते थे, एफ एक्स को लिख देते थे एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स हमारा क्या है दोस्तों, एक बार अवकलन है, यानी कि हमने जो इसका क्या किया है, एक बार अवकलन किया है, उसके बाद हमें जो है एफ डैश एक्स मिलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन है और अगर हम उसका एक बार यहाँ पे अवकलन कर देते हैं तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू दी है यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसी फलन का अवकलन दिया है, यानी कि उसका अवकलन करके हमको दे दिया है एफ डैश एक्स, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए ना। और एफ एक्स क्या होता है, आपका फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एफ डैश एक्स मिलता है, लेकिन अगर हमको दोस्तों एफ डैश एक्स से हमें एफ एक्स चाहिए होगा तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स से हमें वैल्यू मिलती है एफ डैश एक्स, ठीक है, और जब हमें इससे ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि अवकलन का जस्ट उल्टा। तो अवकलन का जस्ट उल्टा होता है आपका समाकलन, ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर आपको किस में चाहिए, एफ एक्स में चाहिए, तो आप इसका क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, तो आपका एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, समाकलन का उल्टा आपका अवकलन होता है, ठीक है। तो इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। और वाई का मतलब ये था कि जैसे वाई दिया है, कोई फंक्शन दिया है, मान लीजिए यही फंक्शन है, तो आप इसका अगर अवकलन करते थे तो हो सकता है आप लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते थे, ठीक है ना। तो यानी कि वाई पहले फंक्शन था और फिर जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है उसका एक बार आपने अवकलन किया है, वो वैल्यू आई हुई है, ठीक है। तो अगर वाई से डी वाई अपॉन डी एक्स करना है तो अवकलन कर दीजिए इसका, और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स से वाई चाहिए तो समाकलन कर दीजिए एक बार। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको समझ में इस क्वेश्चन में क्या आया, आपको समझ में ये आया कि जो एफ डैश एक्स दिया है
वो इस फंक्शन का दोस्तों अवकलन दिया है, इस फंक्शन का अवकलन दिया है एफ डैश एक्स, ठीक है ये। और आपको क्या करना है, आपको फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको एफ वन जो इसकी वैल्यू है 1/2 दी हो, ठीक है, तो ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो ये हमने फंक्शन में पढ़ा था कि जैसे फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स बराबर इतना और हमसे एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यू पूछे, तो जैसे मान लीजिए एफ टू की वैल्यू निकालनी है तो हम पूरे में एक्स की जगह टू रख देते थे, तो ये वही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से इतना, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एफ डैश एक्स से एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि उल्टा चलना है, तो अब हमको यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। हमको जो डैश वाली वैल्यू है उससे हमको एफ एक्स की ओर जाना है, ठीक है, क्योंकि हम एफ एक्स से जब एफ डैश एक्स की ओर आए थे तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हमको करना पड़ेगा समाकलन, क्या करना पड़ेगा समाकलन। तो आप इसका समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स, क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा लिख दीजिए एक बार। ये स्टेप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये स्टेप बढ़ा लीजिए एक बार, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। अब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि इसका जब अवकलन करते थे तो एफ डैश एक्स आता था, तो अब एफ डैश एक्स का समाकलन करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, सिंपल है। इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, ठीक है। और इसको हम ऊपर लेके चलते हैं दोस्तों, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। अब अगर आप लोग इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो एक घात आपको जोड़ना है इसमें, एक घात जोड़ना है तो आपका क्या बचेगा माइनस का वन बचेगा, और बटे में माइनस वन करना भी है तो ये हो गया, प्लस सी आपको करना है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एफ वन की जो वैल्यू है वो 1/2 दी है, तो इसका यूज भी करना है। तो उसका यूज हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे एफ वन आ जाएगा तो सबसे पहले हम एफ वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स की जगह वन रख देंगे, तो जहाँ जहाँ इसमें एक्स दिख रहा है वहाँ आप वन कर दीजिए। तो एक्स की जगह वन रखेंगे तो 1/2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए एक्स की जगह वन रखेंगे पावर माइनस वन है, ठीक है, और बटे माइनस वन है, प्लस सी। तो इसको आप पहले तो ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए आपस में, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका बच जाएगा 1/2 प्लस वन प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, इतना आ जाएगा ना, सिंपल था। अगर आप इसको नीचे लाएंगे तब भी वन अपॉन वन ही होगा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये एक है और ये आधा है तो हो जाएगा 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपकी एफ वन की वैल्यू आ गई, ठीक है, 3/2 प्लस सी, इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू इतनी थी, हमें चाहिए थी एफ एक्स की वैल्यू, तो हमने क्या किया कि इसका एक बार समाकलन कर दिया, क्योंकि हम लोग अगर समाकलन कर देंगे तो हमें एफ एक्स का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इतना मिल गया, प्लस हमारा सी आ गया। इसके बाद दोस्तों हमें एफ ऑफ वन की वैल्यू 1/2 दी थी, तो इसका हमें यहाँ पर यूज करना है। कैसे करेंगे, जब हमारा जो ये एफ एक्स का वैल्यू है वो एफ वन के रूप में आ जाए, तो एफ वन के रूप में कब आएगा, जब एक्स की जगह आप लोग हर जगह वन रख देंगे, तो यहाँ वन रखा तो 1/2 माइनस, यहाँ रखा तो 1/-1 और अपॉन माइनस वन प्लस सी हो गया, ठीक है। अब इसको हमने जब माइनस से माइनस काटा तो ये तो प्लस आ गया, और ये माइनस की घाती तो नीचे भेजेंगे तो 1/1 होगा, यानी कि 1 होगा प्लस सी, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये आपका आधा और एक जोड़ के 3/2 हो गया, तो आपकी एफ वन की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतनी। लेकिन अब आपको एफ वन की वैल्यू 1/2 दी है, मतलब इसकी जगह आप लोग 1/2 रख सकते हो, और इज इक्वल टू कर सकते हो 3/2 प्लस सी, कितना कर सकते हो 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी होती है, तो मैं साइड में निकाल देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब आधे से आप लोग 3/2 घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 तो एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1-3, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/2, यानी कि माइनस का 1, ये आपकी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस सी की वैल्यू को उठा करके आपको इस एफ एक्स में रख देना है, बस यही करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यही तो है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का x^-1/-1 प्लस सी, यही तो है। तो अब वो कैसे निकलेगी, जब आप सी की वैल्यू माइनस वन यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो आपका एफ एक्स निकल करके आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, जगह हमारे पास कम बची हुई है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों ये प्लस 1/x, और प्लस सी की जगह आपको माइनस का 1 रख देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई टू
प्लस वन अपॉन एक्स माइनस का वन, इतना जो वैल्यू आया वो आपका एफ एक्स का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, दो से तीन स्टेप है जो कि आपको ध्यान रखने, सबसे पहले यहाँ पे समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करने के बाद एफ एक्स आ जाएगा, फिर आपको जो यहाँ पे वैल्यू दी हो, चाहे वो एफ वन की वैल्यू दी हो या फिर एफ फाइव की वैल्यू दी हो, एफ टेन की वैल्यू दी हो, जो भी दी हो वो यहाँ पे रख लें, उसकी वैल्यू फाइंड कर लें, फिर उस वैल्यू का यूज करके सी निकाल लें। सी निकालने के बाद इस एफ एक्स में लास्ट में सी रख दें, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन था, आयु थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही आपको करना है जो आपने जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में किया हुआ है। यहाँ पे बोला है एफ डैश एक्स बराबर अगर आपके पास इतना है तथा एफ वन का जो वैल्यू है वो जीरो हो, तो आपको एफ एक्स का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है ना दोस्तों। चलिए, तो क्या करना है हमको, निकालना है एफ डैश एक्स से एफ एक्स। ठीक है, हमने एफ एक्स से जब एफ डैश एक्स बनाया तो हमने अवकलन किया, और जब हमको इससे इसमें जाना होगा तो हम लोग समाकलन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब हम यहाँ से यहाँ गए थे तो हमने अवकलन किया था। अब आपको आई होप समझ में आएगा, यहाँ से यहाँ गए थे तो अवकलन किया था, यहाँ से यहाँ जाना है तो समाकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समाकलन करने पर ठीक है, अब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 2 / x³ पूरे का dx। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एफ एक्स, करेक्ट ना, और ये हो जाएगा 3x³/3। ठीक है, माइनस का ये 2। अब इसको मैं यहाँ पे सीधे कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि आप इसको ऊपर ले जाकर के माइनस की 3 घात बना सकते हैं। ठीक है, तो जब माइनस की 3 घात है उसमें एक जोड़ना भी है, तो x²-2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो आपके पास जो एफ एक्स की वैल्यू है वो आ गई x³, और प्लस आ गया दोस्तों आपका 1/x² + c। ठीक है, चलिए इतना आपने कर लिया। अब आपको एफ वन की वैल्यू 0 यूज करना है, लेकिन उससे पहले एफ वन तो फाइंड कर लीजिए। तो जब एफ वन जब फाइंड करेंगे तो x की जगह सब जगह 1 रख देना है, तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए x की जगह फिर से 1, तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास जो एफ़ वन की वैल्यू निकल करके आई है वो 2+c निकल करके आ गई। ठीक है, अब एफ़ वन की जो वैल्यू है वो 0 है आपके पास, तो 0 ले लीजिए, यहाँ देखिए 0 है, और 2+c, तो c की जो वैल्यू है वो -2 आ गई। ठीक है, अब इसी c को उठा करके इस एफ एक्स में रख दीजिए, ये जो है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से कितनी निकल करके आएगी वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी एफ एक्स इज इक्वल टू x³+1/x²-2। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो आपकी फाइनली निकल करके आ गई है। तो इस तरीके से आपको एफ एक्स निकालना है। पहला स्टेप समाकलन कर दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपको जो यहाँ पे गिवेन हो f1, f2, f3 जो भी दिया हो वो रखिए। ठीक है, उसमें करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम अगर कंपेयर कराएं तो x की वैल्यू 1 है, यानी कि इस पूरे x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको करना क्या है, c का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेना है। पहले आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे जो दी है। ठीक है, c आ जाएगा, फिर इसको यहाँ रख दीजिए एफ एक्स में, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब आपका ये तीसरा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आपको जहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू दी जाती थी वहाँ आपको d/dx ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दी है। ठीक है, तो वो आपका सेम ही होता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखा जाए जैसे मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू दिया है 3x² - 2। ठीक है, तो आप अगर इसका मान लीजिए अवकलन करेंगे तो आपको d/dx ऑफ एफ एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, यही तो आपका कह सकते हैं आपका एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, इसी को तो हम लोग जो ये लिखा हुआ है इसी को तो हम एफ डैश एक्स बोलते हैं। पहले आप साइन लगाते हैं d/dx का, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और उसी को तो हम f डैश एक्स बोलते हैं, यानी इस पूरे को हम लोग एफ डैश एक्स कह सकते हैं, और ये है हमारा 4x³-3x⁴। ठीक है, समझ गए। चलिए अब कुछ भी नहीं करना, बस अब आपका सेम है, क्या करना है, अब आपको समाकलन करना है सबसे पहले, तो समाकलन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³-3/4 dx। ठीक, और ये हो जाएगा एफ एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ आप कर दीजिए तो 4x⁴/4 हो जाएगा। ठीक है,
और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ये हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, बटे में माइनस का 3 करना और प्लस सी कर देना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप इसको काट दीजिए तो ये आपका देखिए कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक। अब करना क्या है, जो एफ एक्स का जो वैल्यू है यहाँ, इसमें आपको एफ टू फाइंड करना है, यानी कि जब एफ टू फाइंड करेंगे तो एक्स की जगह 2 रख देना है पूरे में, तो यहाँ पे 2p पावर 4 हो जाएगा प्लस 1/2p पावर 3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से अगर गुणा कराएंगे तो 4 और 4 × 16 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, और ये एफ ऑफ 2 हो गया, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 0 है, देखिए 0 दी है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख लीजिए इज इक्वल टू यहाँ कर दीजिए तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको गुणा कराना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, और 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112 और 16 × 8 = 128 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस सी हो जाएगा, और सी हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 129/8, ये आपका सी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और इसी को अब ला करके आपको एफ एक्स की जो वैल्यू थी ये वाली ठीक है, फाइनली जो सॉल्व करके आई थी ये वाली, ठीक है, इसमें रख देना है सी का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस का 129/8, ठीक है। तो ये आपकी फाइनली एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब हमें कोई फलन दिया जाता था एफ एक्स और हम इसका अवकलन करते थे तो हमारे पास एफ डैश एक्स आता था, ठीक है। और अगर हमको मान लीजिए एफ एक्स बनाना है तो हमको अब समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अपोजिट प्रोसेस होगी तभी हम एफ एक्स ला पाएंगे, और अपोजिट प्रोसेस मतलब समाकलन, ठीक है। तो ये आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें कोई रूल्स या फिर अदर कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप फॉलो करना है, फिर इसके बाद ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है अच्छे से। ये तीसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये लास्ट में आपका ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, लाइक करना, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, जैसा कि मैं आपको बोल भी चुका हूँ पहले से, ठीक है, तो आप करेंगे मुझे पता है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।